उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित होने जा रहे सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की 18 खिलाड़ियों में उमरिया की सोनम सिसोदिया का नाम भी शुमार है। इस 16 वर्षीय छात्रा का नाम मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की टीम में चयन होने से खिलाड़ी प्रेमियों एवं खिलाड़ी छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साहित है। वैसे तो उमरिया का इतिहास रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, मगर उमरिया जिले की ये पहली महिला खिलाड़ी है जो 16 वर्षीय होने के साथ सब जूनियर नेशनल हॉकी के लिए मध्य प्रदेश की लिस्ट में चयनित हुई है। अब सोनम सिसोदिया मध्य प्रदेश हॉकी टीम की ओर से 4 मई से 14 मई तक चलने वाले नेशनल हॉकी वुमेन जो उड़ीसा के राउरकेला में अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। हम आपको बता दें कि सोनम सिसोदिया चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अपने कोच के साथ उड़ीसा रवाना हो चुकी हैं। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। नाम सोनम सिसोदिया, मैं उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा चयन सब जूनियर नेशनल में हुआ है। मैं राउरकेला में 4 तारीख से 14 तारीख तक टूर्नामेंट है, वहाँ जाऊँगी। मेरे कोचेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस दी हैं। शेख सलीम सर, के झारिया सर, प्रवीर सर बहुत सपोर्ट किए हैं और मैं अब मध्य प्रदेश की टीम से खेलने जाऊंगी। मैच कब से कब शुरू होगा? मैच 4 मई से 14 मई तक है। राउरकेला उड़ीसा में। कब जाओगे? मैं कल जाऊंगी, कल निकल जाऊंगी। मेरा नाम प्रवीण पसेरिया है, मैं खेलो इंडिया कोच उमरिया जिले में पोस्टेड हूँ। और जैसा कि 4 से 16 मई तक राउरकेला उड़ीसा में सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, उसमें खेलो इंडिया सेंटर से सोनम सिसोदिया जिसका सब जूनियर नेशनल में चयन हुआ है, और सब जो खेलो इंडिया सेंटर से इससे पहले भी खेलो इंडिया यूथ गेम और मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया टूर्नामेंट हुए थे उसमें हमारे सेंटर के 2 लड़के राजा कोरी और दीपक सिंह दोनों को गोल्ड मेडल्स मिला है। मध्य प्रदेश में 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उसमें से खेलो इंडिया सेंटर उमरिया से सोनम सिसोदिया का भी चयन हुआ है।